3, 2, 1. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त वीर बिल्ड हाउस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया टॉपिक रेनफोर्समेंट के वेट के बारे में। रेनफोर्समेंट रॉड या सरिया या वार कह सकते हैं आप, इसका वेट कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं जैसे कि आपको पहले वीडियो में बताया हूँ एक थंब रूल, इससे पहले आपने मेरा वीडियो देखे होंगे, तो उसमें मैंने एक अप्रॉक्स कैलकुलेशन 90-95% सही होता है वो बताया हूँ। मैं इसमें बताऊँगा कि अगर आपको रेनफोर्समेंट या रॉड सरिया के बारे में एग्जैक्ट निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं। मैं आपको कुछ कैलकुलेशन बता दूंगा कि उसका वेट इतना आता है, उसके बाद में आप वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा इसका फॉर्मूला कि आप कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। इधर देखिए, 6 mm जो डाया होता है हमारा, पहले मैं डाया की बात करूंगा, उसके बाद मैं उसके वेट की बात करूंगा। चलिए देखते हैं। 6 mm डाया 0.222 किलोग्राम, 8 mm डाया 0.395 किलोग्राम, 10 mm डाया 0.617 किलोग्राम, 12 mm डाया 0.888 किलोग्राम, 16 mm डाया 1.578 किलोग्राम, 20 mm डाया 2.466 किलोग्राम, 25 mm डाया 3.853 किलोग्राम, 32 mm डाया 6.313 किलोग्राम, 40 mm डाया 9.865 किलोग्राम। दोस्तों, जो जनरल यूज़ होते हैं या फिर जनरल हमें जिन रेनफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है, सरिया की ज़रूरत पड़ती है, मैंने उनका वेट बताया हूँ अभी, और इन्हें निकालते कैसे हैं, इस कैलकुलेशन को मैंने कैसे निकाला हूँ, किस फॉर्मूले से निकाला हूँ, चलिए वो देख लेते हैं। जैसे जो आपका 6 mm डाया का अगर सरिया है दोस्तों, तो आपको डाया का स्क्वायर करना पड़ेगा। डी स्क्वायर मतलब 6 mm है तो 6 × 6 डिवाइड बाय के भाग में, बटे में आपको 162 रखना होगा, मतलब 162। अगर आप जैसे कि 6 × 6 बराबर होगा हमारा 36, तो इसके आपको भाग में 162 करना पड़ेगा। अगर 36 का भाग हम 162 में देते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना हमको सरिया वेट में लगेगा, 0.222। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं दोस्तों।